यूनानी सभ्यता में कैलेंडर्स का अर्थ था चिल्लाना। उन दिनों एक आदमी मुनादी पीट कर बताया करता था कि काल कौन सी तिथि, त्यौहार, व्रत आदि होगा, नील नदी में बाढ़ आएगी या वर्षा होगी। इस चिल्लाने वाले के नाम पर ही डेथ हु कैलेंडर्स इस कैलेंडर शब्द बना। वैसे लैटिन भाषा में कैलेंडर्स का अर्थ हिसाब किताब करने का दिन माना गया। उसी आधार पर दिनों, महीनों और वर्षों का हिसाब करने को कैलेंडर कहा गया है। एक समय था जब कैलेंडर नहीं थे, लोग अनुभव के आधार पर काम करते थे। उनका यह अनुभव प्राकृतिक कार्य के बारे में था, वर्षा, सर्दी, गर्मी, पतझड़ आदि अलग अलग काम करने के संकेत होते। धार्मिक, सामाजिक उत्सव और खेती के काम में भी इन्हीं पर आधारित थे, लेकिन इनके आधार पर समय का सही बंटवारा करना मुश्किल हो जाता। लोगों ने अनुभव किया कि दिन रात का बंटवारा कभी गड़बड़ नहीं होता। इसी तरह रातों में चंद्रमा दिखने का भी एक क्रम है। चंद्रमा दिखने का यह क्रम, जिन्हें चंद्रमा की कलाएँ भी कहा गया, निश्चित समय के बाद अवश्य जारी रहता। इस तरह दिन रात और चंद्रमा की कलाओं के आधार पर दिनों की गिनती की गई। फिर इस अवधि को नाम दिया गया। तारे और चंद्रमा केवल सूर्यास्त के बाद दिखते और सूर्यास्त होने पर अंधेरा हो जाता, इसलिए इस अवधि को रात कहा गया। सूर्योदय होने से लेकर सूर्यास्त तक की अवधि को दिन का नाम दिया गया। यह भी अनुभव किया गया कि मौसम सूर्य के कारण बदलते हैं। चंद्रमा का चक्र नए चांद से नए चांद तक माना गया। सूर्य का चक्र एक मौसम से दूसरे मौसम तक माना गया। चंद्रमा का चक्र 29.5 दिन में पूरा होती है, उसे महीना कहा गया। सूर्य का चारों मौसम को मिलाकर वर्ष कहा गया। फिर गणना के लिए कैलेंडर या पंचांग का जन्म हुआ। अलग अलग देशों ने अपने अपने ढंग से कैलेंडर बनाया, क्योंकि एक ही समय में पृथ्वी के विभिन्न भागों में दिन रात और मौसम में भिन्नता होती है। समय की गणना के लिए कैलेंडर का महत्व हजारों साल पहले ही मानव जाति ने समझ लिया था, इसलिए सदियों से दुनिया भर में तमाम तरह के कैलेंडर माने जाते रहे हैं। दुनिया भर में कई देशों के जो अपने कैलेंडर है, उनमें नए वर्ष की शुरुआत फरवरी से अप्रैल के मध्य होती है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 37 तरह के प्राचीन कैलेंडर वर्ष माने जाते हैं, हालांकि इनमें से अधिकांश अब प्रचलन से बाहर है। भारत में विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी सन और सप्तर्षि संवत आदि प्रचलित है। वर्तमान ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत 438 साल पहले 15 अक्टूबर 1582 को हुई थी। इस कैलेंडर की आखिरी बार पोप ग्रेगोरी 13वें ने संशोधित किया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार क्रिसमस हर वर्ष 25 दिसंबर को निश्चित हो गया, जबकि 31 दिसंबर को साल का आखिरी दिन होता है और नया साल 1 जनवरी को शुरू होता है। रोम में जूलियन कैलेंडर के हजारों साल पहले रोमन कैलेंडर का प्रचलित था, लेकिन उसके बहुत जटिल होने के कारण इटली के जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर पेश किया। जूलियन कैलेंडर का आधार यह ज्ञान था कि पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाने में 365.25 दिनों का समय लेती है। इसी समय को एक वर्ष माना गया। जूलियन कैलेंडर में साल का पहला महीना मार्च और आखिरी फरवरी था। जूलियन कैलेंडर की खामियां। असल में पृथ्वी सूरज की एक परिक्रमा 365.2421 दिन में करती है। जूलियन कैलेंडर में एक वर्ष 365.25 दिनों की थी। लंबे अंतराल में दोनों का डिफरेंस समय ध्यान देने योग्य हो जाता है। जूलियन कैलेंडर के इस्तेमाल से 128 वर्षों में एक दिन का अंतर आ गया, और यही मात्रा एक दिन लगभग 15 शताब्दियों बाद सन 1500 आते आते 11 दिनों में तब्दील हो गए थे, यानी पृथ्वी हमारे हिसाब से 11 दिन आगे चली गई थी। अगले कुछ शताब्दियों बाद समय में एक महीने का अंतर पड़ जाता और यह बढ़ता ही जाता। इसे ठीक करने के लिए रोम के 13वें पोप ग्रेगोरी ने यह आदेश दिया कि 4 अक्टूबर 1582 के बाद अगला दिन 15 अक्टूबर 1582 होगा। इस प्रकार एक ही दिन में पीछे से चली आ रही 11 दिनों की खामी हटा दी गई। पोप के नाम पर इस कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या पूरी तरह से सही है? सालों के अध्ययन से हम यह जानते हैं कि पृथ्वी सूरज की परिक्रमा लगभग 365.2421 दिनों में पूरा करती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक वर्ष 365.2425 दिनों का माना गया है। इस प्रकार लगभग 3200 वर्ष बाद हमें एक दिन का अंतर दिखाई देगा, पर उस एक दिन को हम तब के समय से किसी वर्ष से लीप ईयर हटाकर आसानी से संरक्षित कर सकेंगे। ग्रेगोरियन कैलेंडर पूरी तरह से सही तो नहीं है, लेकिन इसकी खामियां पर नज़र रखकर सही की जा सकती है।
आज दुनिया के कोने कोने में स्वीकारा गया ग्रेगोरियन कैलेंडर की को पूरी दुनिया ने एक साथ नहीं अपनाया, बल्कि अलग अलग देशों ने अलग अलग समय में इस कैलेंडर को अपनाया। भारत में ब्रिटेन ने 1752 में इस कैलेंडर को लागू किया और तब से आधिकारिक काम ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार किया जाता है।